मोदी सरकार के द्वारा संसद में पारित किए गए किसान विरोधी बिल को लेकर समूचे देश के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसे वापस लेने समूचे देश में तहसील स्तर तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते तीनों कानूनों के विरोध में आज कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष राधेश्याम चौबे, ब्लॉक अध्यक्ष विमल जैन के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी एकत्रित होकर पनागर तहसील कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम पनागर तहसील दिलीप चौरसिया को ज्ञापन सौंपा। आज की जो वर्तमान में केंद्र की सरकार मोदी जी जिसके प्रधानमंत्री, इन्होंने जो आज तीन बिल जो आज पास किए हैं वो पूर्णतः किसान विरोधी हैं, क्योंकि आज वो एक बात कह रहे हैं कि हम किसानों को छूट दे रहे दुनिया भर में कहीं भी बेचो। दूसरी चीज़, जो व्यापारी है वो चार लोगों छः लोगों की ज़मीन लेके वो खेती करेगा, मतलब सीधी बात, अभी जैसे उदाहरण के लिए रेलवे बेच रहे, मतलब हर चीज़ को बेच रहे, ऐसे वो किसानों के बेचने का काम जो कर रहे, क्योंकि आज चार भाई हैं वो एक साथ किसानी नहीं कर सकते। हर एक व्यापारी आएगा, व्यापारी आके किस तरह से आपकी 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 चार लोगों की ज़मीन लेके, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है, आज हमारे मध्य प्रदेश के PCC चीफ आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहा, धरना 2 तारीख को फिर धरना है, मतलब आज पूरा किसान आतंकित है। किसी भी प्रदेश का ले लो, हम लोग इसका कठोर विरोध करते हैं और एक बार फिर पुनः उनसे निवेदन करते हैं कि काले कानून को वापस लें।